अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको परेशानियों और बीमारियों से दूर रखे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का ब्लॉग मैं अब यहीं से स्टार्ट करती हूँ। आज मैं चिकन के चपली कबाब बना रही हूँ। आधा किलो मैंने चिकन का कीमा लिया, इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया, 1 बारीक कट करके टमाटर शामिल किए, हरी मिर्चें, हरा धनिया, प्याज, बारीक पुदीना बारीक कट करके शामिल किया, 1 अंडा फेंट के इसमें शामिल किया और नमक हसबे का शामिल किया और लाल मिर्च कुटी हुई आधा चमचा, पिसी हुई आधा चमचा और 1 पैकेट के मसाले के 4 टेबल स्पून मैंने शामिल करके इसे मिक्स करके अच्छी तरह मैंने फ्रिज में आधे घंटे के लिए इसे रख दिया। एक पैन में मैंने कुकिंग ऑयल डाल के इसमें कबाब फ्राई करना स्टार्ट किए और अब मैंने ये सारे कबाब फ्राई कर लिए हैं। सैलेड बनाया है और इमली की चटनी और रायता बनाया है मैंने इसके साथ। तो अभी हाँ मैं बाबा के साथ आई हूँ बाहर। सो आज MNRP का अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट आया था AS लेवल का और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। इसकी खुशी में आज मामा ने कहा था कि बाबा के साथ जाके मिठाई लेके आओ। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं खुबर शुमालिया। ये हम लोग इसको यूजली पाकिस्तानी एरिया कहते हैं लेकिन क्योंकि इसकी वाइब पाकिस्तान जैसी लगती है इसलिए मामा हमेशा बोलते हैं कि पाकिस्तानी एरिया में आए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मिठाई की शॉप पर। तो यहाँ पे हम आ गए हैं मिठाई की शॉप के अंदर। सो यहाँ पे डिफरेंट तरह की मिठाइयाँ हैं, इसको यूजली बंगाली मिठाई कहते हैं। तो आज हम लोग सोच रहे थे कि हम डिफरेंट कैटेगरी की लें, डिफरेंट टाइप की मिठाई लें। यूजली हम ये वाइट वाली मिठाई लेते हैं लेकिन इस दफ़ा हम लोग ने कहा कि कोई और सी मिठाई लेंगे। तो हम लोग ने एक ये वाली मिठाई ली है और दूसरी ये वाली मिठाई। तो घर आके खाना खाने के बाद अभी हम यहाँ पे मिठाई खा रहे हैं। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो ये मामा यहाँ पे लाई थी वोटेबल वॉर्ड्रॉप क्योंकि मामा को अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे बाबा अब इसको कर रहे हैं असेंबल और अब देखते हैं ये अलमारी कौन यूज़ करेगा। और यहाँ पे बाबा कर रहे हैं इसको असेंबल और ये इसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है और ये है अलमारी का फाइनल लुक। तो आज मामा ने दोपहर में बनाए थे आलू के पराठे और आम। सो इसलिए आज हम लोग को रात का दिल चाह रहा था कि हम कुछ बाहर से खाएं, इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं बिरयानी लेने के लिए। अभी हम हाईवे पे जा रहे हैं और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, इस पे खाने बड़े अच्छे पाकिस्तानी बनते हैं, शनवारी कढ़ाई और चपली कबाब और टिक्का बोटी। तो यहाँ से हम बिरयानी लेंगे, स्पाइसी बिरयानी होती है और बहुत अच्छी मज़ेदार बिरयानी होती है, तो इसलिए हम वहाँ लेने जा रहे हैं। तो ये है बिरयानी और अब यहाँ पर हम कर रहे हैं डिनर। सो आज सैटरडे है और आज का ब्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। सो आज अभी हम आए हैं हाफ मून बीच और मामा ने बहुत दिनों से गाड़ी की ड्राइव करने की प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए आज मामा ने कहा कि वो प्रैक्टिस करती हैं क्योंकि वो इंशाल्लाह सून अपना लाइसेंस लें। तो यहाँ पे मामा अभी गाड़ी स्टार्ट कर रही हैं और अभी ड्राइव करना शुरू कर रही हैं। तो मामा ने यहाँ पे गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पीछे आया बोल रहा था कि मामा आप गाड़ी पे साथ ना देना और यहाँ तो बहुत डर रहा था। मामा आहिस्ता आहिस्ता चला रही थी, काफ़ी दिन बाद मैंने दोबारा चलाई थी तो इसलिए मुझे भी खुद भी डर लग रहा था लेकिन मैंने आहिस्ता आहिस्ता चलाया तो फिर मुझमें कॉन्फिडेंस आ गया तो मैंने फिर चला ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे मामा ने थोड़ी देर गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस की और यहाँ पीछे आया बैठा हुआ था और जब मामा सही भी चला रही थी तो वो बोल रहा था मामा आप लगा आप फंसा देंगी और जब मामा ब्रेक मारी थी इतनी अचानक से लिटरली लाइक इतना आराम झटका आ रहा था कि मामा इतनी ज़ोर से ब्रेक मार रही थी। नहीं इतनी ज़ोर से भी ब्रेक नहीं था, हल्का ब्रेक था। तो अब मगरब की अजान हो गई थी तो यहाँ पर अब मामा कर रही हैं स्टॉप गाड़ी को और अब हम बाबा आ गए हैं ड्राइविंग सीट पे। तो याया तो सुकून में आ गए थे कि फाइनली अब बाबा ड्राइविंग सीट पे आ गए क्योंकि उसको तो डर लग रहा था पूरे टाइम। तो यहाँ पे मामा बाबा अब नमाज़ पढ़ रहे हैं। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।